हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पिछले दोनों वीडियो में मैंने फ्रंट 36 इंच ब्लाउज के लिए पेपर कटिंग का फ्रंट पार्ट दिखाया था और सेकेंड पार्ट में मैं उसी पेपर कटिंग से मेन फैब्रिक और अस्तर का कटिंग बताया था। अभी मैं आज स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले मैं बैक नेक की स्टिचिंग कर लूँगी, बैक पार्ट की। इसीलिए देखिए, अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ ऐसे पिन से अटैच करके रखा है नेक लाइन को। मैं यहाँ पे नेक लाइन अस्तर को हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके उल्टी साइड पे रखा है। यहाँ पे मैं फैब्रिक को स्टिच करके उसे पलटूंगी नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं इसको क्रॉस पट्टी टच करके ये नेक लाइन को रेडी कर लूँगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक सीधी सिलाई लगा दिया है नेक लाइन को, ताकि ये अपनी जगह से नहीं हिले। अभी मैं बैक पार्ट में जो हमारा टक्स है, टक्स पहले नीचे का वो सिलाई भी कर लूँगी सीधी, उसके बाद हम लोग ये टक्स जो है टक्स का रेडी कर लूँगी। टक्स को पूरा सीधा एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं बैक पार्ट के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर भी क्रॉस पट्टी अटैच करके उसको तुरपाई करके रेडी कर लूँगी। टक्स की सिलाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, ताकि वो मेन फैब्रिक और अस्तर हमारा एक साथ अटैच रहे, कि एक जगह से हिल ना जाए। सिलाई करते समय कभी कभी होता है कि हमारा मेन जो अस्तर है सिलाई हो जाता है, मेन फैब्रिक जो है नीचे से फिसल जाता है। इसीलिए सबसे पहले कि यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद ऐसे टक्स के लिए सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों एक साथ अटैच रहेगा, दोनों में ही सिलाई आएगा टक्स के लिए। इसी तरह से मैं दूसरे टक्स को भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए, बैक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने टैक्स लगा लिया है। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है, वो फ्रंट पार्ट को ऐसे, फ्रंट पार्ट में जो ये हमारा टैक्स होता है नीचे का जो पार्ट है उसी का, उसको भी हम लोग सबसे पहले टैक्स को रेडी कर लेंगे। मेरा ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का पेपर कटिंग वीडियो और फेब्रिक के कटिंग का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, पार्ट वन पार्ट टू करके। ये है मेरा स्टिचिंग का पार्ट। ये देखिए, ये पार्ट को जॉइंट लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में जॉइंट हो और राइट साइड का राइट साइड में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कैसे आपको हुक साइड को एक साथ रख के उसको ठीक तरह से अरेंज करके रखना होगा लेफ्ट साइड लिख के। अभी इसको बहुत ही सावधानी से ऐसे राउंड शेप करते हुए, इसको कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर एक को बिठा के ऐसे एक राउंड शेप में सिलाई दे देना है, ताकि हमारा जो ये ब्रैकेट ब्लाउज का ये जो पफ है ये बहुत ही अच्छी तरह से बन जाए। देखिए, ये मेरा यहाँ पे ये जो पफ बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है, रेडी हो गया है। अभी ये देखिए, ये हमारा शोल्डर का पोर्शन है। अभी यहाँ से अच्छी तरह से कपड़े को बिना खींचे मेन फैब्रिक के सीधी साइड पे रखते हुए, दोनों फैब्रिक का सीधी साइड एक ही साथ रखते हुए ऐसे बहुत ही सावधानी से एक राउंड सिलाई लगाना है। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, ऐसे बिठा के काटना सिलाई लगाना है। अगर कपड़े लास्ट में थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग काट के ठीक कर लेंगे। और हमारा ये जो फैब्रिक का जॉइंट होगा, ये जॉइंट हमारा नेक लाइन से होगा। अगर कपड़ा नीचे की तरफ बेल्ट के साइड पे थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो उसको काट सकते हैं। अगर नेक नीचे बेल्ट की तरफ साइड से जॉइंट करेंगे तो नेक लाइन में हमारा कपड़ा छोटा बड़ा होगा नेक की साइड पे, तो ये नेक लाइन हमारा जो है फ्रंट नेक वो थोड़ा गलत भी हो सकता है। अभी ये नीचे का बेल्ट को हम लोग ऐसे जॉइंट कर लेंगे।
ये देखिए कपड़े को ऐसे ही सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसे बेल्ट की सिलाई को ऐसे दोबारा बिठा लेंगे ताकि ये जो हमारा बेल्ट है ये अच्छी तरह से नीचे की तरफ बैठ जाए। इसी तरह से मैंने एक साइड को भी रेडी कर लिया है, इसी तरह से मैं दूसरे साइड को भी रेडी कर लूँगा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है उसको मैंने काट के निकाल दिया है। ये देखिए मेरा दोनों साइड लीनी हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग हुक के लिए पट्टी लगाएंगे, आई और हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। ये देखिए मैं बैक पार्ट के जो नीचे का पट्टी है उसको हम लोग लगाएंगे तो फिर बैक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्रॉस पट्टी ले लिया है, इसको ऐसे नीचे सिलाई कर लेंगे, कपड़े के सीधी साइड पर रख के इसको सिलाई करेंगे। अभी कपड़े को उस साइड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो हमारा कपड़ा है ये अच्छी तरह से बैठ जाए और तिरपाई करते हुए हम लोगों का आसानी हो जाए। ऐसे क्रॉस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे और इसको फिर डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम लोग तुरपाई करेंगे। ये देखिए अभी इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद ऐसे अंदर से तुरपाई कर देंगे तो ये हमारा फिनिशिंग कंप्लीट हो जाए। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी कर दिया है, आई और हुक की पट्टी लगा के इसको हुक अटैच कर लिया है, शोल्डर को अटैच करके मैंने नेकलाइन भी रेडी कर लिया है। ये मेरा स्लीव्स भी रेडी हो गया है, अभी हम लोग स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए सबसे पहले ये कपड़े का जो सीधी साइड है उसी में फैब्रिक स्लीव्स को रख के हम लोग एक सीधी साइड पर सिलाई लगा लेंगे। सीधी साइड पे एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद कपड़े को उल्टा करके उल्टी साइड पे हम लोग सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होता है हमारा जो ये कपड़ा है वो अंदर की तरफ नहीं दिखेगा, वो हमारा जो फैब्रिक है वो निकलता है। ये मेरा सिल्क का मटेरियल है इसीलिए कपड़ा का जो धागा है वो निकल जाता है, इसीलिए इस तरह से सिलाई करेंगे तो कपड़े का जो धागा है वो नहीं निकलेगा। ये देखिए ये फैब्रिक का भी सीधी साइड है और यहाँ पे मेरा बॉडी का जो पार्ट है उसका भी सीधी साइड है और मेरा जो स्लीव्स है उस स्लीव्स का भी सीधी साइड है। दोनों सीधी साइड पे हम लोग पहले सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे जो ये राउंड शेप है यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ उल्टी साइड पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए तो ये अंदर की तरफ भी फिनिशिंग बहुत अच्छा होगा। अभी हम लोग फिटिंग्स की सिलाई लगाएंगे, उससे पहले सबसे पहले कपड़े के सीधी साइड पे एक सिलाई लगा लेंगे। अभी हम लोग ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे।
ब्लाउज को उल्टा करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिटिंग्स का सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मेरा ये 36 इंच का ब्रा कट ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।